हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नई वैकेंसी की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जिसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। अगर आप झारखंड के रहने वाले होते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज गवर्नमेंट के थ्रू अच्छी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे जो आपके मन में डाउट होते हैं सभी को मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो दूसरा सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक विवरणिका जारी की गई है, यानी कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित के लिए यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जिसमें कि परीक्षा शुल्क जो है आपका 100 रुपीज पे करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हो कैटेगरी से, तो आपको 52 रुपीज पे करने होंगे। कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई, चलिए बता देते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से आई हुई है। इसमें देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं वो 26 पोस्ट निकाली गई है। आपके अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निकाली गई है। आप इसके अनुसार चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद कनीय अभियंता और सैनिक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से वैकेंसी की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जिसमें की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 223। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात करते हैं, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 55 पोस्ट है। आप अपने कैटेगरी वाइज इसे चेकआउट कर सकते हो कि आपके कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं। उसके बाद पाइपलाइन सब इंस्पेक्टर की बात कर उसके बाद पाइपलाइन इंस्पेक्टर की बात करते हैं, इसमें आपका टोटल जो पोस्ट है वो 16 पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कनीय अभियंता विद्युत नगर विकास एवं आवास विभाग, ये देखिए दूसरा विभाग का आया है, जिसमें कि कनीय अभियंता विद्युत नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीट है 46। उसके बाद कनीय अभियंता और सैनिक जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग से ही निकाली गई हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 188। उसके बाद कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग से ही पोस्ट निकाली गई है, जिसमें की टोटल नंबर ऑफ सीट है 51। उसके बाद कनीय अभियंता और सैनिक जल संसाधन विभाग से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 400। सबसे ज्यादा पोस्ट अभी तक 400 जल संसाधन विभाग से ही निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जल संसाधन विभाग से कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए निकाली गई हैं, जो कि जल संसाधन विभाग से ये 30 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कनीय अभियंता और सैनिक पथ निर्माण विभाग से निकाली गई हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 457। उसके बाद मोटरयान निरीक्षक के लिए वैकेंसी की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जो विभाग से नहीं डायरेक्ट है, 44 पोस्ट है। उसके बाद कनीय अभियंता कृषि अभियंत्र, कनीय अभियंता कृषि अभियंत्र कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से भी निकली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 11। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पोस्ट, जो कि कनीय अभियंता विद्युत ऊर्जा विभाग से निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्ट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करना, देखिए किसमें अप्लाई कर सकते हो। एक है कनीय अभियंता और सैनिक पथ निर्माण विभाग से निकाली गई है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोस्ट है। उसके बाद कनीय अभियंता और सैनिक जल संसाधन विभाग से 400 पोस्ट है। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करना, बताती हूँ कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई। तो देखिए, उम्र सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होती है, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होती है। अपने कैटेगरी वाइज चेकआउट कर लेना कि आर्थिक रूप से कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 37 वर्ष, उसके बाद महिला अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं कब से होगा रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से कर सकते हैं। तो 25/5/2023 यानी कि 25 मई 2023 से लेकर 24 जून 2023 की मध्य रात्रि हम लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि जो है 26 जून 2023 की मध्य रात्रि तक, फोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि है और प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि है 28 जून 2023 की मध्य रात्रि तक।
और इसमें अगर आपका कोई भी गलती होता है, त्रुटि होता है, तो आपको एडिट करने का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा 29 जून 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक। परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। सिलेबस कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है, सिलेबस ज्यादा नहीं है। सिलेबस को अच्छे से रीड करके आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है सैलरी और क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि इस स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो 25,581 आपका पे स्केल होगा। उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या फिर ITI होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पाइपलाइन के लिए बात करते हैं तो यहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। कनीय अभियंता की बात करते हैं तो इसमें जो है AICTE द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। और कनीय अभियंता की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय से विद्युत में डिप्लोमा होना चाहिए। कनीय अभियंता और सैनिक की बात करते हैं तो सिविल में जो है हमारा डिप्लोमा होना चाहिए। कनीय अभियंता कृषि के लिए बात करते हैं तो कृषि में हमारा डिप्लोमा होना चाहिए। मोटर यान निरीक्षक की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो है AICTE द्वारा यांत्रिकी ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी डिप्लोमा होना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दी है क्लियर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट करें, डू सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर दिस अपडेट। जितने भी इसके लिए एलिजिबल होते हो अप्लाई कर देना। और सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जैसे ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन और आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।